विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने कई मुद्दों को उठाया तो सत्ता पक्ष ने भी सभी मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। वहीं सदन में डॉक्टर्स की कमी, गौशालाओं का मुद्दा भी उठा। इसके जवाब में विभाग के मंत्रियों की तरफ से, अलग अलग जो विभाग हैं उनमें जो मंत्रालय हैं उनकी तरफ से जवाब भी देता है, तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने तमाम मुद्दों को उठाया तो सत्ता पक्ष ने भी सभी मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। घरों के ऊपर से गुजरते हाई वोल्टेज तारों को लेकर सवाल उठे तो सदन में बिजली मंत्री ने साफ किया इसे लेकर काम चल रहा है। कॉलोनियों, आवासीय मकानों, प्लाट क्षेत्र, तालाबों, विद्यालयों और थिन्नी वादी के ऊपर से गुजर रही एचटी और एलटी जो लाइन है उनको करने के निर्देश ऑलरेडी हमने कर रखे हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बाद में रास्ते बनते गए, सड़कें बनती गई, तब बीच में डिवाइडर नहीं थे, अब जैसे है तो उस पर भी सरकार कर रही है, उनको हम बाहर कर रहे हैं। पर जो किसी के घर में मकान में लगे हैं वो अपने ओवरहेड टैक्स पे, उस पर अब उसके हेड पे पैसा लगता है। वहीं जेजेपी विधायक नैना चौटाला ने अपने बेटे और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से बाडरा बाईपास को लेकर सवाल उठाए तो दुष्यंत चौटाला ने भी बाईपास को लेकर चल रहे काम की मौजूदा स्थिति सदन में स्पष्ट की। बाडरा का बाईपास है, ये बाडरा दिल्ली पिलानी मुख्य मार्ग पड़ता है और जिससे बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। 50 गाँव को ये जो बाईपास हम लोग चाह रहे हैं, अभी बाडरा मार्केट से जो है वो बाईपास शहर से निकले, ये 50 गाँव को जोड़ने का काम करेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन लोग आते हैं और आए दिन भीड़ की स्थिति से जाम की समस्या जो है वो बनी रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि बाईपास जो है वो बाडरा में बनाया जाए। और इसी से एक सप्लीमेंट्री और मैं पूछ रही हूँ साथ के साथ कि आदमपुर डाडी से नारनौल हाईवे जो जा रहा है वो बहुत खस्ता हालत में है, क्योंकि ओवरलोडिंग डंपर्स जो चलते हैं उनकी वजह से एक तो आप वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते, दूसरे गाड़ियाँ निकलनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है। दो प्रोजेक्ट्स करंटली बाडरा को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट है हरियाणा यूपी बॉर्डर से सोनीपत झज्जर चरखी दादरी लोहारू, जो बाडरा के अंदर से जाएगा, जिसमें एक सड़क फोर लेन इनकी होगी। और दूसरा है हिसार कुशाम सतनाली बाडरा जूई महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, ये NHAI को NH ने प्रपोजल मांगा था, DPR हमारी ओर से बनकर चली गई थी, हमारी ओर से पत्र नेशनल हाईवे को लिख दिया गया है कि इसको वो टेकअप करे। अगर वो टेकअप कर लेते हैं तो इसकी वाइडनिंग भी शहर के अंदर फोर लेन हो जाएगी। अगर उनके प्रपोजल में बाईपास का प्रोविजन है आने वाले समय में तो बाईपास शहर का बन जाएगा। अगर NH नहीं टेकअप करते फिर PWD जरूर इसको टेकअप कर कम्प्लीट करे। कुल मिलाकर तीसरे दिन सदन में तमाम मुद्दे उठे और तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी स्थिति साफ की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।